मेरा नाम है अमित खट्टर और मैं आज कई चीज़ें बढ़िया बढ़िया सिखाऊंगा सॉलिड वर्क्स के अंदर। जैसे हमारे पास ये कोई एक IGS फाइल है, ठीक है, तो शीट मेटल के इसमें 3 कंपोनेंट है हमारे पास। तो हमारे को करना क्या है, हमारे को 2-3 काम करने हैं कि एक तो हमारे को इस ये जो तीनों कंपोनेंट है, इन तीनों कंपोनेंट का अलग अलग हमारे को वेट निकालना है, ठीक है, और तीनों जो मॉडल है हमारे को इनका फ्लैटन सरफेस करनी है। तो हमारे को इसका ब्लैंक साइज चाहिए तीनों का, कि अगर मुझे ये कंपोनेंट बनाना है और इसका सीधा करके हमारे को कितनी शीट लगेगी, तो हम देखेंगे कि ब्लैंक साइज़ कैसे निकालते हैं। चौथी चीज़ हमने जो करनी है, हमारे को इन जो मॉडल हैं ये जो इनकी हमारे को ड्राफ्टिंग करनी है, यानी हमारे को ड्राइंग का प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप तीनों ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताकि हमारे को पता लगे कि एक हमारे को IGS फाइल चाहिए, ये IGS फाइल है, ठीक है। तो जब मैं IGS फाइल को खोलता हूँ तो ये एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये हमारे पास एक असेंबली है, असेंबली में क्या है, 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3 और एक नट लगा हुआ है इसमें चौथा पार्ट, ठीक है। तो अभी इसका सिंबल देखो, ये लोगो दिख रहा है हमारे को, ठीक है। तो ये लोगो देखो ध्यान से, ये IGS मॉडल जब भी आएगा ना तब हमारे पास ऐसा मॉडल आएगा। हम क्या करेंगे, इसको मैं मटेरियल असाइन नहीं कर सकता। जब मैं मटेरियल असाइन कर भी दूँ ना तो भी इसमें प्रॉब्लम आती है कि अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ पार्ट को, तो यहाँ पे मेरे पास ओपन करने की ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये सारे सिंगल पार्ट ही बने हुए हैं, हमारे को चाहिए सारे अलग अलग पार्ट, ठीक है। तो जो मटेरियल असाइन होगा वो सबको होगा, जो कंपोनेंट बनेगा वो तीनों इकट्ठे रहेंगे हमेशा। हमारे को अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे को इनको अलग करने के लिए इसको सेव एज करना है पैरासॉलिड में। यहाँ पे पैरासॉलिड की ऑप्शन है, पैरासॉलिड में इसको सेव कर देंगे। अब पैरासॉलिड में सेव करने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उसका नाम है सॉलिड, पैरासॉलिड है, ठीक है। वैसे सॉलिड बॉडी इसमें भी थी, पर हमने जब पैरासॉलिड में सेव किया, अब उसको ओपन कर लेते हैं जो हमने पैरासॉलिड में सेव किया है, ठीक है। तो ये हमने अभी सेव किया, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखना इसके सिंबल में भी फ़र्क आएगा। और ये हमारे चारों पार्ट अलग अलग हो गए सारे, ठीक है। और फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे 4 सॉलिड बॉडीज आ गए, यानी एक असेंबली की वाली फाइल बदल गई एक सिंपल फाइल के अंदर, और उसमें हमारे को दिख रही है कि हमारे पास 3-4 कंपोनेंट हैं। अब मैं किसी भी कंपोनेंट के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट कर सकता हूँ। ये ऑप्शन हमारे पास पहले नहीं आ रही थी। इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो जो हमारा पार्ट है वो एक अलग फाइल के अंदर चला गया, अब ये इंडिविजुअल पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो अब अगर इसको, अगर हम इसको इसका मास चेक करेंगे तो ये आ रहा है 16.23, ठीक है। बट हमारे को इसकी डेंसिटी जो नज़र आ रही है वो 0.00 आ रही है, यानी क्योंकि हमने मटेरियल नहीं ना इसको दिया कोई। तो हमारे को क्या करना है, इसको मटेरियल असाइन करेंगे, यहाँ पे आ नहीं रहा इस वक्त जो हमारे को देना है, हमने देना है कास्ट कार्बन स्टील। एडिट मटेरियल में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, यहाँ पे आयरन में भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे स्टील में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमारे को करना है कास्ट कार्बन स्टील। कास्ट कार्बन स्टील जो होता है उसकी होती है डेंसिटी 7800 किलोग्राम, ठीक है। तो कास्ट कार्बन स्टील को अप्लाई करने से पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड टू फेवरेट कर दो। उससे फ़ायदा क्या होगा, अगली बार जब हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ऐड टू फेवरेट में आ गई, ये फेवरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को हर बार 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 एडिट मटेरियल करके उसके अंदर नहीं जाना पड़ेगा,
बाहर ही आ गया। ठीक है, तो अब इसको मटेरियल असाइन हो गया और हम फिर से मास निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे इसका वेट जो है चेंज हो गया, 126.63 ग्राम्स आ गया। अभी यहाँ पे कहोगे 0.1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ऑप्शन में जाके देखो यहाँ पे डेंसिटी नज़र आएगी 0.007। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दो जीरो होनी चाहिए, 0.0078। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में आ रहा है, अगर मेरे को किलोग्राम में करना है तो यहाँ ग्राम की जगह इसको किलोग्राम कर दो। ठीक है, और मिलीमीटर की जगह जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे किलोग्राम कर देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे अब हमारे को किलोग्राम में वेट आने लग गया। ठीक है, तो हम किलोग्राम नहीं चाहिए, हमारे को ग्राम ही चाहिए, वापस ग्राम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने तीनों कंपोनेंट के लिए करना है, अपने पार्ट में जाएंगे। ठीक है, जिसका भी वेट चाहिए उसको राइट क्लिक करके इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट, ओके, ये फाइल सेव करने के लिए पूछता है तो इसको कर दो। कहता प्रॉपर्टी सेम चाहिए या चेंज करने हैं यूनिट, तो हमने कहा नहीं हमारे को सेम ही चाहिए, इसको नो कर दो, इसको कैंसिल कर दो, फाइल को बाद में सेव करेंगे। तो ये मेरा पार्ट आ गया, मटेरियल असाइन किया और मास प्रॉपर्टी में जाके हमने इसका वेट देख लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी चेक ऑप्शन चेक कर लेनी है कि डेंसिटी हमारी सही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, ओके करेंगे, तो ये हमारा जो काम हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है, हमारे को इसको करना होता है फ्लैटन। फ्लैटन क्यों करना है, क्योंकि मैं इसका ब्लैंक साइज़ निकाल सकूँ, हमारी जो ये शीट है इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हम इसकी डाई वगैरह बना के इसका टूल डिज़ाइन करने के बाद फिर इसको हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे को चाहिए होता है ब्लैंक साइज़, भैया कौन, मैं बाज़ार से कितनी शीट खरीद के लाऊं अगर मुझे ये कंपोनेंट बनाना है। तो ब्लैंक साइज़ इसमें सीधा निकालने की कोई ऑप्शन नहीं है, बट हमारे पास एक नई कमांड आई है यहाँ पे सरफेस में, सरफेस फ्लैटन। ठीक है, इससे हमारा 90 से 95% तक हमारा जो ब्लैंक साइज़ है सही निकलाएगा, ये 100% नहीं बोलते हम इसको, बट 95% तक ये सही हमारे को देगा ब्लैंक साइज़। ठीक है, तो सरफेस फ्लैटन लेंगे, करना क्या है हमारे को, इसकी सारी सरफेसेस को सेलेक्ट करना है, एक साइड या बाहर वाली साइड कर सकते हैं या अंदर वाली साइड कर सकते हैं, करनी है एक ही साइड। तो ये सरफेस हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और एक इसको फिक्स पॉइंट चाहिए, फिक्स पॉइंट क्यों चाहिए, ताकि जहाँ से पकड़ के हम इसको कर सके। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ या ये पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा और ये फ्लैट हो जाएगी, यहाँ से इधर को खुल गई, यहाँ से इधर को खुल गई और ऊपर वाला सीधा हो गया। तो ये मेरे पास एक सरफेस आ गई जो मेरा सॉलिड मॉडल बन गया, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सरफेस आ गई, इस सरफेस को मैं जितनी उसकी थिकनेस है, जैसे 0.8 थी उसकी थिकनेस, तो मैं 0.8 थिकनेस दे सकता हूँ उसको। तो ये मेरे पास एक सॉलिड मॉडल बन गया और मैं इसकी अलग से ड्राइंग है, देखो हमारे पास अब दो सॉलिड बॉडी हो गई, एक बॉडी ये एक बॉडी ये, तो इसको फिर से इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट करके मैं अलग से ब्लैंक, मेरे पास ब्लैंक साइज आ गया। ठीक है, और इसकी हम ड्राइंग्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक ये सही होता है, 90% तक ये सही होता है, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा वो शीट मेटल में हमारे को मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रिमिंग टूल से बाद में ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी हम हमारे को ड्राइंग चाहिए होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, कि हमारे को, हमारे पास अगर एक शीट मेटल का कोई कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसको हमारे को ब्लैंक में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अब जैसे यहाँ पे दो पार्ट हैं, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है इंसर्ट में एक्सप्लोड, एक्सप्लोड व्यू, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं मूव कर सकता हूँ साइड में। ठीक है,
तो ये एक्सप्लोड कहाँ गया, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, ठीक है। इसको कलेप्स कर देंगे तो ये वापस वहीं चला जाएगा, इसको एक्सप्लोड कर देंगे तो बाहर आ जाएगा। इसको अगर एडिट कर देंगे, एडिट फीचर, तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल कंपोनेंट था और इसको हमने ब्लैंक साइज में ब्लैंक साइज कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वेट भी हमारे को पता निकालना आ गया, हमारे को ब्लैंक भी निकालना आ गया। अब हमारे को देखना है इसकी ड्राइंग कैसे निकालेंगे।